आप सुबह सुबह उठे और आपने अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को बोला कि आज मुझे एक आइसक्रीम जरूर लाकर देना, मेरा बहुत मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का, और आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स रेडी हो गए कि चलो ठीक है मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आप हो कि उनको घर से बाहर ही नहीं जाने दे रहे, आप हो कि कह रहे हो नहीं आप मेरे साथ घर पे बैठो और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स के साथ होता है, जब आप टेक्निक कर लेते हो अपनी विश को लेकर उसके बाद आपको उसको छोड़ना पड़ता है। जब तक आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड को बाहर नहीं जाने दोगे वो कैसे आपके लिए आइसक्रीम लेकर आएगा। सेम यही लॉ हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है डिटैचमेंट के लिए। अगर आप कोई भी इच्छा के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करते हो तो उसमें डिटैचमेंट होना जरूरी होता है कि टेक्निक्स करो, अपने आप अफर्मेशंस बोलो, जो चीज आपको बेस्ट लगी उसको करो, आधे घंटे करो, 10 मिनट करो, लेकिन दिल से करो, उसके बाद उस चीज को छोड़ दो, उसको लेट गो कर दो। ये चीज बहुत ज्यादा होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और लोग इसी को ही नहीं कर पाते हैं। लोग अपनी विश को लेके डिटैच नहीं हो पाते, लोग उसी बारे में सोचते हैं जिसको लेके वो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। माई डियर, आप बहुत सारी टेक्निक्स क्यों ना कर ले अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपकी विश को लेके डिटैच नहीं हो पा रहे हो। थोड़ी देर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी को फ्लो नहीं होने देंगे कैसे आपकी विश पूरी होगी, ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। इसलिए जब भी आप कोई टेक्निक करते हो, आधे घंटे करो, चलो 1 घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, लेकिन दिल से करो, उसके बाद उसको टोटली लेट गो कर दो। लेट गो इन द सेंस अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, उस चीज के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो। फिर शाम को फिर से उसको 5 या 10 मिनट कर लो, दिन में बस 2 बार करा करो 5 to 10 मिनट्स के लिए। इससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं करना है, कुछ और चीज करना है तो दिन भर खुश रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। अगर आप डिटैचमेंट करना सीख गए, अपनी विश को लेकर जल्दी से डिटैच होने लग जाएंगे, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरी कर देगा। अगर 24 आवर्स आप वही सोचो कि अब होगा, कैसे होगा, कब होगा, टेक्निक्स कर दी है, अब कॉल आ जाना चाहिए, अब मैसेज आ जाना चाहिए, अब प्रमोशन हो जाना चाहिए, अब रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रही है टेक्निक, तो वो कभी भी काम नहीं करेगी। इसलिए ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए, दी रिजल्ट कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जितनी जल्दी आप डिटैच हो जाएंगे आपकी विश को लेकर, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा।